श्री राम जय राम जय जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की जितना जितना हम उपनिषदों का चिंतन करते हैं या उपनिषदों के अनुसार सत्य का चिंतन करते हैं त्यों त्यों हम अपने उपनिषदों पर रीझते जाते हैं। और उपनिषदों में अनेक तरह से एक सत्य को कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा भगंत। सत्य एक है पर उसे अनेक ढंगों से कहा गया है। जैसे किसी व्यक्ति का फोटो कोई साइड से ले ले, कोई फ्रंट से ले ले, कोई बैक साइड से ले ले, कोई ऊपर से ले ले, कोई चरणों का ले, तो फोटो हो सकता है मेल न खाए पर वह एक ही व्यक्ति के हैं। इसी तरह से उपनिषद के द्वारा उस सत्य के जानने की बहुत विधियों में एक विधि है निषेध। यह मैं नहीं हूं, ये एक विधि है। पहले यह मैं नहीं हूं जो मुझसे अलग है, फिर यह मैं नहीं हूं जो स्वप्न में ये मुझे छोड़ देता है, यह मैं नहीं हूं जो इंद्रियों के धर्म नींद में चले जाते हैं, स्वप्न में नई इंद्रियों का निर्माण करता हूं, सुषुप्ति में मन और इंद्रियों का लय हो जाता है, तब भी मैं रहता हूं। एक विधि है आत्मा के जानने की निषेध, निषेधावधि। जहां तक तुम्हारे को ज्ञान हुआ है, जितना भी तुमने अनुभव किया है, सबका निषेध करो कि ये मैं नहीं हूं। जगता मैं नहीं हूं, श्रोता मैं नहीं हूं, क्योंकि श्रोता आपने जाना है, जगना आपने जाना है, जो जाना है वो नश्वर है। और जब जाना है तुमने, तो जब भी जाना उस समय तुम जरूर मौजूद थे। जाना हुआ गैर हाजिर होता गया, जाना हुआ कभी रहा, कभी जाना हुआ न रहा, और तुम दूसरे समय पर भी जानने वाले रहे, तीसरे अवसर पर भी जानने वाले रहे, पर तुमने अपने को नहीं जाना। रहते हुए जाने हुए को जाना, जानने में आने वाले को जाना, जानने वाले को नहीं जाना। इसी तरह एक और याद दिलाता हूं, प्रतिबोध विदित। ये शब्द उपनिषद का है, प्रतिबोध विदितम। जब भी कोई बोध होगा तो बोधा वहां होगा। जब भी कोई अनुभव, जैसे कभी भी स्वप्न होगा, भले स्वप्न सत्य लगा या झूठा हुआ, पर जब स्वप्न हुआ होगा तुम गैर हाजिर नहीं हुए होगे। तुम्हारी गैर हाजिरी में स्वप्न नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्न के देखने के लिए तुम्हारा होना, बोलो, जरूरी है। और ये भी है कि जब तुमने स्वप्न देखा उसका न रहना भी, जिसने स्वप्न का रहना देखा वही स्वप्नों के न रहने का भी गवाही है। तुम्हारे स्वप्नों को मैंने नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे स्वप्नों के न रहने को भी मैं नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच। भगवान ने अपना परिचय दिया, अपनी महिमा गाई, अपने विषय में बताया कि मत्तः स्मृति,
पहले के जाने हुए की स्मृति भी मुझसे होती है। कोई स्मृति, स्मृति नहीं विस्मृति भी। तुम्हें कभी कोई चीज भूलती है कि नहीं बोलो? तो विस्मृति किसके रहते होगी? तुम्हारे। स्मृति जब आएगी तो तुम्हारे बिना आ जाती है स्मृति, तुम होते नहीं स्मृतियां आती। मत्तः स्मृतिर ज्ञान, और जब भी ज्ञान होता है तब भी मैं होता हूं। किसी चीज का ज्ञान, दुख का ज्ञान, सुख का ज्ञान, और कोई चीज का ज्ञान, तो जब ज्ञान होगा तो मैं नहीं हूंगा। मेरे से स्मृति, मेरे से ज्ञान, और ज्ञानम अपोहनंच, ज्ञान का अभाव। मेरा अभाव नहीं, ज्ञान का अभाव। कभी आपके ज्ञान में कोई चीज है, कभी ज्ञान में नहीं। स्मृति में है, स्मृति में नहीं है। विस्मृति में है, फिर स्मृति में आ जाती है, विस्मृति हो जाती है। और नहीं, बहुत बातें बचपन की भूल गए। और तुमको अपना ज्ञान नहीं है, इसकी पहचान क्या है? ज्ञान क्यों नहीं है? आपको अपना ज्ञान होता तो आप ये जानते मैं सदा हूं। क्योंकि अपना ज्ञान नहीं है तो उस समय तक का ही वर्णन करते हो कि मैं था, जिसका तुम्हें ज्ञान हुआ है। ज्ञान हुए वाली चीजें ना हो तो तुम थे नहीं बता सकते। जैसे कल आप थे कि नहीं, मैं यहां को नहीं पूछता सम्मेलन को। वैसे अभी इनमें जितने लोग हैं 10-15 वर्ष से, 4-6 दिनों से, 2-4 महीनों से, इनमें कौन है जो नहीं रहा? थे ना? बोलो। अभी कई वर्षों से, महीनों से आप हैं ना? कहां है ये नहीं पूछता। वो तो तुमको पता है कि कब मैं वहां था, कब मैं स्नान करने चला गया, कब मैं दिल्ली चला गया, कब मैं गंगा चला गया, कब मैं प्रयागराज चला गया, कब मैं बाथरूम गया, कब मैं भोजन करता रहा। आपको क्या ज्ञान है? जो हुआ उसका ज्ञान है। उसके आधार पर तुम दृढ़ता से कह सकते हो कि कल मैं था। तुम्हारे सब ज्ञान हटा लूं तो तुम बताओ कल थे क्या सबूत? तुम खेलने का नाम न लो, शौच जाने का न लो, खाने का न लो, मिलने का न लो, सड़क में न, घर न बताओ, जाना हुआ न बताओ, फिर तुम बताओ थे? तुम्हारे पास निज अनुभव कोई नहीं है। आप औरों का वर्णन करके कहते हो मैं कल था, क्योंकि कल का ज्ञान है, कल की स्मृति है, कल के संस्कार हैं। लड़े थे, झगड़े थे, मिले थे, छोटे में खेलते थे, विवाह हुआ था, तुम उस समय थे। स्मृतियां ही तुम्हारे होने का सबूत है। यदि ज्ञान और स्मृति छीन ले तो तुम होते हुए भी नहीं जान सकते कि मैं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मज्ञानी होना बड़ा मुश्किल है। अनात्मक ज्ञानी सभी हैं, आत्मज्ञानी नहीं है। पर आत्मज्ञान का तरीका, स्वप्न में तुम थे, चलो जागृत में तो हो, स्वप्न में ही जब तुम्हें स्वप्न हुआ था वहां तुम थे कि नहीं? क्या सबूत है कि तुम थे? स्वप्न के समय तुम जिंदा थे, क्या सबूत है? मौजूद थे, क्या सबूत है? ये कि हमने देखा था स्वप्न। मौजूद नहीं होते तो हमने न देखा होता। मेरे स्वप्नों को किसी और ने बताया नहीं मुझे, आपके स्वप्नों को आपकी प्रिय माता ने, प्रिय पिता ने, प्रिय पत्नी या पति ने, प्रिय दोस्तों ने बताया है आपके स्वप्नों को। बोलो, तुम्हें पता है ना? तो तुम्हें पता तुम्हारे बिना रहे है? तुम रहे नहीं, सपना हुआ, तुम उसके वर्णन कर सकते हो? एक तो स्वप्नों में भी तुम थे, केवल इस समय जब दिल्ली देख रहे हो
तभी हो, ऐसा नहीं है। ये भले ना हो, ये आंखें भले वहां ना थी, इनकी जगह नकली दूसरी आंखें थी, लेकिन ये ना होते हुए मैं वहां था, मेरे आंखें थी। इस समय भी तुम हो, तुम्हारे आंखें हैं, तुम हो, तुम्हारे कान हैं, पर ये तुम्हारे वाले स्वप्न में नहीं रहते। संस्कार जन्य, तुम्हारी बुद्धि जन्य शरीर और इंद्रियां होती है, पर वो बुद्धि जन्य होंगी, तुम तो थे, तुम बुद्धि जन्य नहीं हो। और सब कुछ बुद्धि जन्य है, स्मृति है, प्रत्यक्ष है, लेकिन तुम न प्रत्यक्ष हो, न स्मृति हो, न कल्पना हो, तुम सत्य हो। जिस दिन तुम उपनिषद का ज्ञान उपलब्ध कर लोगे, उस दिन ये भगवान पाने की समस्या, मुक्त होने की समस्या, भगवान मुझे नहीं मिल रहे हैं, भगवान का मुझे दर्शन नहीं हुआ, ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं इस अर्थ में भारत को जरूर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पेशेंट के अनुसार दवा दी है। और अच्छा डॉक्टर वही होता है जो बीमार के अनुसार दवा देता है। दवाएं तो वो भी हैं जो तुमको नहीं देनी, जो तुम्हें नहीं देनी वो भी दवा है, वो किसी और को देनी। भारत हमारे जीवन का बड़ा चिकित्सक है, औषधि भंडार है उपनिषद, अनेक ढंगों से दवा दी है, ढंग बदल बदल के समझाने की कोशिश की है कि तुम आत्मविद, अर्थात तुमसे सब ज्ञान होते हैं, ये जान जाओ, तुम ज्ञानाधिष्ठान हो, तुम जगदाधिष्ठान हो, जगदाधार सर्वाधिष्ठान, जगत के आधार, जगत के अधिष्ठान तुम हो। ये तुम तो जानते ही नहीं, शायद तुम्हें जनाने वाले भी नहीं जानते। मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं, मैं कोई छिपा के नहीं कहता। इस सत्य के जानने वाले दुर्लभ हैं। वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति वासुदेव, ये सब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ है, ऐसा बोलने वाला दुर्लभ है, ये मैं नहीं कहता। ऐसा तो टेप रिकॉर्डर भी बोल सकता है, छोटे बच्चे भी कुछ दिन पढ़ा दिए जाए, उनको कीर्तन गीत इंग्लिश हिंदी संस्कृत टेप हो जाती है, बोल देते हैं। सारी कथा गोस्वामी जी बचपन में सुन चुके थे, वो बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदार है। कहते हैं ये मैंने कथा बचपन में सुनी थी गुरु से, और याद भी है, ऐसा भी नहीं कि जो सुनी थी याद नहीं है, पर तब मैंने इस कथा की गहराई को नहीं समझा था, तब मैं अचेत था। हमारे प्रवचन भी तुम्हें याद हो जाए तो ये मत समझना कि हम समझ गए, या भी तो दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हें याद ही नहीं रहे। पर याद भी रहने का मतलब तुम ज्ञानी हो गए जरूरी नहीं है, क्योंकि याद होना मस्तिष्क में टेप हो जाता। आपको अपना नाम टेप हो गया, अपना गांव, जन्म, पिता, माता, पत्नी, बेटे टेप है, बताते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रवचन भी टेप हो जाते, प्रवचनों का रस आना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जीव रस का भूखा है, आनंद रस का भूखा है, आनंद मिलता है बहुत अच्छी बात है। पर आनंद तुमको तो ब्याह से भी मिला था, फिर आनंद जिनको मिलने लगता है फिर कोई डर तो नहीं रहता। विदेश में मुझे एक लड़की मिली, व्यवस्थापकों का नियम था कि $100 के बिना वो मेरे दर्शन नहीं कर सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे।
और एक को आधा घंटे मिलने दिया जाता था, लेकिन तुम्हारे सौभाग्य की सराहना बेलरी कर रही थी कि मैं सागर पार से आई हूं, तुम्हें यहां उपलब्ध है। पर इसे मैं तुम्हारा भाग्य नहीं कहता, तुम्हारा दुर्भाग्य कहता हूं, इसलिए कि ज्यादा मिलने से उसकी वैल्यू नहीं रहती, समझने का मूड नहीं रहता। यदि वही मैं बात दोबारा कहूं तो आप उतने मन से नहीं सुनेंगे, तीन चार बार कहूं तो और नहीं सुनेंगे, यदि बार बार वही कहूं तो लगेगा ही तो सुन चुके, जान चुके हैं, नहीं सुन चुके, जानना जानना। तो पहली बात तो ये है कि आप जिसको जानते हो दावे से कहते हो ये मैं जानता हूं, दर्द मुझे हुआ है, स्वप्न मुझे हुए हैं, नींद मुझे हुई है, भूख मुझे लगी है, जवानी आई है, काम आया है, क्रोध आया है, लोभ आया है, ये सब आया है और हमने जाना है। लेकिन ज्ञान होने के बाद, इस सत्य को समझ लेने के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती कि दर्द होता है कि नहीं होता। प्रातः काल मेरी नाक बंद थी, मैं ध्यान में बोला लेकिन नाक के कारण स्वर नहीं बनता, तो क्या हुआ, मैं ज्ञानी नहीं रहा ना। सुबह ज्ञान या तो होता नहीं या हो जाए ना, ठीक समझ में आ जाए तो फिर दोबारा अज्ञान नहीं होता ना हो सकता है। अज्ञानी होने का उपाय खत्म। बीज नहीं भूनता तो नहीं भूनता, यदि भून गया तो वह दोबारा जन्म नहीं ले सकता, किसी कीमत पर नहीं ले सकता। अज्ञानी अज्ञानी है, ज्ञानी माने तो भी, सो जाए तब भी, जग जाए तब भी, पढ़े पढ़ाए तब भी, और यदि ज्ञान है तो फिर अज्ञानी नहीं हो सकता, होने का कोई उपाय नहीं है। तो आप जो कुछ जानते हो पहले जानो, और ये जानो कि ये मैंने ही जाना, ये मैंने जाना, ये मैंने जाना, जो जो कुछ हुआ मैंने जाना, मैं कौन हूं। ये बात अलग है कि जिसको जाना उसी को तुमने अपनी अवस्था मान लिया। उदाहरण के लिए मैं फिर समझाऊं कि मिट्टी को हमने गोला आकार दे दिया, मिट्टी ने अपने को गोला मान लिया, गोला हुआ, यदि होता नहीं तो दिखता नहीं, स्वप्न ना होता तो दिखता, चाहे वो झूठ है, हुआ तो है, और नहीं तो ये कैसे बता पाते आज मुझे ये स्वप्न हुआ है। इसका मतलब ये छोटा है या बड़ा, ये सकोरा है या ये करवा है, ये मटका है, ये नाम अलग कैसे हो गए, कुछ ना कुछ फर्क है। तो आज जो स्वप्न हुआ, पढ़ने का हुआ, फेल होने का हुआ, गिर जाने का हुआ, लड़ाई का हुआ, स्वप्न हुआ तभी तो उसको बता पाते हो कि आज ये वाला हुआ। गुरुदेव जी ने डांटा स्वप्न में, इसका मतलब डांटने का स्वप्न हुआ। तो जैसे कोई मिट्टी का सकोरा है, वो सकोरा, ये घड़ा, ये मटका, जो बना वो दिखा, लेकिन मिट्टी गोला बनाया तब थी, सकोरा बनाया तब थी, कुछ और बनाया तब थी, वो तो थी, जो थी वो है, वो रहेगी, पर तुमको वो नजर नहीं आता, नजर आता है जो होता है, तुमको तुम कभी नजर नहीं आए। नजर आया देह, नजर आई इंद्रियां, नजर आया विषय, नजर आया मन, नजर आने का मतलब आंख नहीं, इस आंख से ही नजर नहीं आया, पर मन पता चला बहुत परेशान है, खून जल रहा है, चिंता है, डिप्रेशन है, मन अशांत है, मन जानने में आया, फिर मन बदल गया। पर तुम उस समय और इस समय हो, तुम माने देह नहीं, क्योंकि
तुम्हारे मन की हालत को देह नहीं जान सकता। तुम्हारे तुमको रात जब स्वप्न हुआ उस स्वप्न को देह ने देखा या तुमने देखा, जरा ध्यान दे। तुम्हारा मन हिल जाएगा ना तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अभी एक माता उधर ही देख रही है, देखो आई सत्संग में, आग लगी हो तो भी उधर मत देखो। हाँ, जनक के यहां कथा हो रही थी, आग लग गई राजभवन में, बाबाओं की लगोटियां सूख रही थी, उनका मन चला गया। जनक कथा सुनते रहे। सवाल यहां बाबा और बाबू का नहीं है। और ये भी मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाता कि घर में आग लगी हो तो तुम ध्यान न देना, देना, लेकिन इस समय कुछ नहीं था, बिना मतलब तुम्हारे मन की दुष्प्रवृत्ति है। इतना तुम्हें सुनने में रुचि नहीं है जितना मुझे तुम्हें समझाने में है। तुम्हारी तबीयत खराब होती तो तुम बहाना कर देते सुनने आने में, पर मैं बहाना नहीं कर पाया सुनाने में। इससे पता चलता है कि आप समझना चाहते हो या मैं समझाना चाहता हूं। जिस चीज की तुम्हें जरूरत होती है छिपके चोरी से कर ही लेते हो। जिस दिन तुम्हारे को इतनी लगन लग जाए, कितनी, जैसी नियत हराम पर उतना ही हरि पर हो। जितना तुम्हें लगाव अपने मन की करने में है उतना ही यदि तुम्हें सत्संग में रुचि हो जाए तो तुमको कोई मुक्त होने से रोक नहीं सकता। तो तुम कौन हो जो जानते हो? जो जानते हो यही तो गलत है। तो पहली बात मैंने कही कि तुमको कब से हो, इस जन्म भर में तुम्हें होने का पता है, क्योंकि तुम्हें अपना पता नहीं है, घटनाओं का पता है। जो घटनाएं घटती हैं वो तुम्हारे स्टोर हैं, उसके आधार पर तुम कहते हो इतने दिन से हम यहां रहते हैं, इतने वर्ष से हम आपके लेक्चर सुनते हैं, कई लोग हमें मिलते हैं, कई टीवी के माध्यम से ट्रेनों में भी मिलते हैं, वो कहते हैं हमने तो आज तक दूर से टीवी में देखा था, आज हम साक्षात सामने देख रहे हैं। तो टीवी जब देखी थी तब वो जिंदा थे ना कि मरे हुए थे, और अब जब मुझे देख रहे हैं तो देखो तुम्हारे पास दिखाई देने वाली चीजें ही तुम्हारे होने का सबूत है। तुम्हें अपने होने का कुछ भी पता नहीं, यदि देह न होता मन न होता तो तुम होते ये नहीं मानते। और जिस दिन तुम इनके बिना हो ये जान जाओगे, उस दिन ये भी जान जाओगे कि हम इसके पहले भी थे इसके बाद भी रहेंगे। नहीं जानने का मतलब ये है कि तुम शरीर की घटनाएं जानते हो और जिस समय की कोई घटना याद नहीं है। यदि तुमको पूर्व जन्म की याद आ जाए कि मैं फला जगह रहता था, मेरी बंदूक का लाइसेंस ये है और फला जगह लाइसेंस रखा है, जगह याद आई, गांव याद आया, लाइसेंस याद आया, इसका मतलब उस समय तुम थे ये भी याद आ गया। कुछ भी याद आ जाए तो इस शरीर के पहले तुम थे। इसीलिए कई लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए जाति स्मरण आवश्यक मानते, पूर्व जन्मों की याद आवश्यक है यदि तुम ये जानना चाहते हो कि इसके पहले भी हम थे। जैसे कल थे, इसका सबूत तुमको हमें देना नहीं पड़ता, पर यदि कल तक का न पति याद होता, न पढ़ाई याद होती, न घर याद होता, सीधा इसी मंच में आप आके कूदे होते और कूदने का भी आकाश से नए होते, यही प्रकट हुए होते, इसके पहले का कुछ न होता तो तुम कहते हम तो आज ही पैदा हुए। तुम कल थे, इसका सबूत घटनाएं हैं, तुम नहीं हो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। घटनाओं के कारण तुम कहते हो हम थे,
इसलिए तुम जगत को जानते हो अपने को नहीं जानते, मन को इंद्रियों को जानते हो अपने को नहीं जानते। इसलिए आत्मज्ञान बहुत आसान भी नहीं है, और जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा तुम्हें फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए पलालमिव धान्यार्थी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत, जैसे धान चाहने वाला आदमी धान निकालकर प्याल को छोड़ देता है, ऐसे ही सत्यवेत्ता शास्त्रों से मुक्त हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती, गुरु की भी जरूरत नहीं रहती। गुरु को धन्यवाद देना अलग बात है, गुरु से प्रेम हो गया क्योंकि उनसे मुझे कुछ समझ में आया, और मेरी स्मृति है कि मैं वहां पहले बार दर्शन किए थे, स्मृति है। लेकिन अब उनसे कुछ जानना बाकी नहीं है, देखने से अच्छा लगता है। एक बार जिससे लड़ाई हो जाए वो जब दिखता है मन खराब हो जाता है, जिससे प्रेम हो जाता है उसकी याद, उसका मिलना अच्छा लगने लगता है। चूंकि कल्याण इस सत्य की समझ गुरु से उपलब्ध हुई है, उनका नाम भी मुझे अच्छा लगेगा, उनका फोटो भी अच्छा लगेगा, लेकिन अब उनसे कुछ जानना जरूरी नहीं है। प्यार तो है, प्यार होना अलग बात है, जानने की आवश्यकता नहीं रही। अब गुरुदेव मुझे कुछ समझा नहीं सकते, और तुलसीदास का मुझे पता नहीं है जब समझ आया तब उनके गुरु जिंदा थे कि नहीं। मैं दावे से नहीं कहता पर एक कल्पना करता हूं कि जब गुरुजी थे तब समझे नहीं, सुना सब था। गुरुजी थे तब सब कुछ सुना था, संस्कार पड़ गए थे, पर उसकी गहराई नहीं आई थी। जब जरूरत पड़ती गई वह चिंतन होता गया। और मैं भी बताऊं, हमने जो सुन लिया है जो पढ़ लिया है वो मस्तिष्क में टेप है, चिंतन तो अब होता है, श्रवण सामने होता है, मनन और निधिध्यासन जहां गुरु नहीं होता वही होता है, यहां सुनकर बाद में, यहां बोलकर बाद में चिंतन होगा, स्मरण होगा, क्या छूट गया कहने में, कहां चूक हो गई। मैं जब बोल कर जाता हूं ये भी लगता है इतना और कहना चाहिए था, पर बुद्धि तो इतनी अधूरी है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। यदि बुद्धि सक्षम हो ना पूरी तो एक दिन में ही पूरा समझाया जा सकता है, पर कभी ये छूट जाता है कभी वो छूट जाता है, बताते बताते विषय बढ़ जाता है बदल जाता है। इसलिए प्रतिबोध विदित, जब भी कुछ जानते हो तब तुम होते हो, पर जो जानते हो वो तुम नहीं होते हो, जो जानते हो वो तुम नहीं होते, वो तो चला जाता है। स्वप्न जाना था तुम थे, स्वप्न नहीं रहे, सुषुप्ति थी हुई थी वो नहीं रही, इस समय जागृत है जग रहे हो, ये जगना नहीं रहेगा, देह में नहीं कहता जगना नहीं रहेगा, जगना इंद्रियों से संपर्क तुम्हारा है नहीं रहेगा, सो जाओगे स्वप्न में चले जाओ, ये अवस्था चेंज होती है। तुम कौन हो, तुम किस अवस्था में नहीं थे। अब आप कहोगे इसमें मजा, इसमें कौन सा मजा है, जो ब्यास आदि में मजा है, जो ताश खेलने में मजा है, जो टीवी देखने में मजा है, इस समझने में क्या मजा है। हाँ मजा उनको है जो सचमुच मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्म होना चाहते हैं, निर्विकार अनुभव करना चाहते हैं, काल की काल से पार जाना चाहते हैं, उनको जब ये सुनाया जाता है तो उनको बड़ा आनंद आता है, उनको आनंद आता है जब देखते हैं मेरी मृत्यु नहीं होती। मैंने कई दिन श्लोक कह दिए तुम्हें कोई बड़ा मजा नहीं आया, एक श्लोक ये बोला था, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति मे, आहा मैं अपने को नमस्कार करता हूं, अपने को नमस्कार करता हूं, बाहर की तरफ भीतर की तरफ चैतन्य की तरफ, अहो अहम नमो मह्यम, आहा मैं आप अपने आप को प्रणाम करता हूं। क्यों करते हो भाई,
विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का विनाश नहीं होता, जो मैं मरता नहीं उसको मैं प्रणाम करता हूं। विनाशो यस्य नास्ति में, और क्या होता है, ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा तक, ब्रह्मास्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा तक, इस सृष्टि का रचयिता भी मर जाता है तब भी मैं नहीं मरता। ये बात तुमको समझ आएगी, ये वेदांत गले उतरता है। और भी कहना चाहो, यदि देह गुरु है तो जहां गुरु भी नहीं रहता, जहां देह भी नहीं रहता, जहां इंद्रियां नहीं रहती, जहां पति नहीं रहता, पुत्र नहीं रहता, जहां इंद्रियां नहीं रहती, जहां मन नहीं रहता, जहां ये सब मर जाते हैं, तहां भी मैं रहता हूं। अब बोलने को तो खटखट, मैं मन से परे, बुद्धि से परे, इससे परे, उससे परे, कहे जाओ, इसमें क्या है, टेप रिकॉर्डर हो आप। इसका भी एक मजा होता है प्रवचन का, जिसको कहने का आनंद आ जाता है वो कहने की तैयारी करता है लच्छेदार, और कहने का एक आनंद आता है। इसलिए किसी को लच्छेदार प्रवचनों से तुम ये समझ सको कि ये ज्ञानी है, इससे ज्यादा भ्रम की और कोई चीज नहीं। कैसे जान लिया कि तुम नहीं मरते हो, कुछ तुम्हारे रहते मरा, इंद्रियों के बिना रहे, अतिंद्रिय हो, बिना इंद्रियों के रहे, ये तुम्हें पता है। और बिना इंद्रियों के क्या बचा, दृश्य बचा, बिना इंद्रियों के चेतन, बिना मन का चेतन। और यदि ये नहीं हो सकता तो कितनी देर ये अवस्था रही, कितनी देर दूसरी, कितनी देर तीसरी रही, और तुम कितनी देर रहे, तुम हर समय रहे या थोड़े समय। इसलिए मन का काल है, शरीर का काल है, इंद्रियों का काल है, और तुम अकाल पुरुष हो, अकाल पुरुष, महाकालेश्वर हो। इसलिए बोले सो निहाल, क्या बोले, सत श्री, हाँ बोले तो निहाल हो जाए। अभी आज वैलरी बोल रही थी, मैं मुक्त हूं, हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं, बोले तो निहाल हो जाए। तो या तो तुम झूठ बोलोगे तो निहाल नहीं हो, और ज्यादातर तुम बोलोगे तो झूठ ही बोलोगे। एक मेरे गुरु भाई, सच्ची बात है, ठाकुर थे भिंड मुरैना के, आप जानते हो, उधर के थे। एक वैष्णव साधु सोहम वालों का खंडन किया, तो जरा ठाकुर साहब को संत थे अपमान लगा, तो सोहम वालों का खंडन किया, और वो दासोहम वाले थे तो उन्होंने उठा करके पटक दिया दासोहम, और उनकी छाती पे चढ़ के बैठ गए, और ये कहा जब तक तू सोहम नहीं कहेगा हम नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ी देर तो बेचारा नहीं बोला, फिर मरते क्या न करते, बोला सोहम। अब बोल तो दिया पर निहाल नहीं हुआ, सोहम वालों की तो छाती ठंडी हो गई, पर सोहम बोलने वाले की छाती ठंडी नहीं, वो तो सब शीतल हो जाता है। सब मरते हैं, मैं नहीं मरता, अभी तक हम सुनते हैं हम सब मरते हैं, वो नहीं मरता, वो नहीं मरता जिसके हमने कभी दर्शन, बोलो, नहीं किए। तुमने तो दर्शन ही मरने वालों के किए, न मरने वाले का कभी दर्शन भी नहीं किया। न मरने वाला कौन है, और कभी भी जब होगा तो थर्ड पर्सन करके जब दर्शन करोगे तो मन होगा, इंद्रियां होंगी, और मन और इंद्रियों से जिसका दर्शन करोगे वो तुमसे भिन्न होगा, और वो व्यापक और अभिन्न है, प्रत्यक्ष चैतन्य है, प्रत्यगात्मा है, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो दिखता नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियां उसकी विषय है, मन उसका विषय है, इसलिए वो किसका विषय होगा। भगत का विषय भगवान नहीं है, भगवान किसी का विषय नहीं है, लेकिन जो किसी का विषय नहीं है ऐसे भगवान की जरूरत सिर्फ मुमुक्षु को होती है, मुमुक्षु को, मोक्ष चाहने वाले, सबको जरूरत नहीं है उसकी। बाकी जिनको आनंद चाहिए उनको
अतीन्द्रिय और मन से अतीत सत्य की जरूरत नहीं है, उन्हें इंद्रियातीत सत्य नहीं चाहिए, इंद्रियों का विषय सत्य चाहिए। मैं आंखों से देखूं भगवान को, मैं आंखों से देखूं, हाथों से छूं, हाँ मैं हाथ जोड़ूं, प्रार्थना करूं, और वो तभी हो सकता है जब मेरे मन और इंद्रियों का विषय हो। दूसरी प्रार्थना भी हो सकती है, निराकार है, व्यापक है, कहीं रहता है, मैं उसकी प्रार्थना करूं, वो गे है, वो मेरा वंदनीय है, स्मरणीय है, मैं उससे अलग हूँ, उसको मैं, तो उसको आप कल्पना करते हो या देखा है, कल्पना करते हो या महसूस करते हो, क्या करते हो? महसूस करते हो तो मन का ही विषय है कि और कुछ है? इसलिए अमन होते, अमन एक बार बिना मन के हो जाओ, एक बार गुरुओं के द्वारा इस सत्य का श्रवण कर लो, बस फिर दर्द नहीं होना चाहिए, जुकाम बुखार नहीं होना चाहिए, भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। ये जो लोगों के तर्क हैं, ये मूर्खों के हैं, अज्ञानी के हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, ज्ञानी पत्थर नहीं है, ज्ञानी का देह भी देह है, ज्ञानी की इंद्रियां इंद्रियां हैं, वैसे ही नींद आती है, वैसे शरीर बूढ़ा होता है, वैसे ही भूख लगती है, ये सब प्रकृति के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है। ज्ञानी का अंतःकरण भी जागता है और सोता है, वो जगना सोना बंद नहीं होता। हाँ, जो नहीं जगता सोता वो चैतन्य है, और वो किसका आत्मा है, तुम्हारा कि मेरा कि सबका? अब यही बात है, यदि मेरा आत्मा है तो तुम्हारा नहीं है क्या? यदि साक्षी संताकरण में जागता सोता नहीं, तो और जगह वो सोता जगता है क्या? केवल हम अपने को साक्षी या सर्वाधिष्ठान न मानकर अंताकरण से तादात्म्य करके इसी को मैं कहते रहते हैं। इसी मैं का खंडन सबने किया है। आप बधाई के पात्र हो।